तो प्याज एक बार फिर से आपको रुलाने के लिए तैयार हो गई है, लेकिन जैसे कि हमारी बात यहाँ पर मंडी में व्यापारियों से हुई है, आढ़तियों से हुई है, उनका ये कहना है कि जो ये प्राइसेस में जो बढ़ोतरी हुई है प्याज के, ये कुछ दिनों के लिए है, लेकिन इसके पीछे क्या वजह है, आइए हम कुछ प्याज विक्रेताओं से ही हम बात करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ प्याज विक्रेता यहाँ पर मौजूद है। मैं आपसे जानना चाहूंगी इस वक्त प्याज फिलहाल कहा जा रहा है कि 3-4 रुपये ऊपर हुई है, क्या है फिलहाल स्टेटस क्या है? देखिए मार्केट में क्या अभी थोड़ा वेरिएशन आया। वेरिएशन आने का रीज़न क्या था कि दिवाली थी, दिवाली के चलते पीछे जो थोक मार्केट थी वो क्लोज थी, उसके चलते मार्केट में आवाक थोड़ा कम थी, जिसके चलते थोड़ा प्राइस का वेरिएशन था। अभी छठ पूजा भैया दूज, अब मार्केट सारी ओपन हो गई है। आप देखिएगा आने वाले 2 या 4 दिन में प्याज की आवाक मार्केट में अच्छी आएगी। कुछ नई फसल भी चालू हो गई हैं, जैसे अलवर, MP और महाराष्ट्र, ये सारी नई फसलें चालू हो गई, धीरे धीरे इसकी आमदनी आवाक बढ़ती जा रही है। और मुश्किल से मुश्किल 2 या 4 दिन की बात और है, जैसे मार्केट के अंदर आमदनी बढ़ेगी प्राइस अपने लेवल पे आ जाएगा। अभी कोई प्याज का अगर मैं कहूँ अभी कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हाइक होगा, नहीं, वो डाउन ही आना है और डेफिनेटली डाउन होना है। अच्छा, तो बीच में जो त्योहारी मौसम रहा है इस वजह से ये थोड़ा रीजन कहूँ कि ये अभी जो सीजनल था आपका त्योहारों का, इसके चलते मार्केट बंद थी, आवाज कम थी, और इसके चलते थोड़ा प्राइस का वेरिएशन हुआ है। मार्केटें खुल गई हैं, अब 2-4 दिन में बिल्कुल लेवल में। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि मौसम में जो थोड़ा बदलाव, मानसून जो अक्टूबर तक थोड़ा आ गया है, फसल कुछ बर्बाद हुई है, ये भी एक वजह है? बिल्कुल 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 ऐसा भी राइट है, क्योंकि रीजन क्या है कि बारिश से फसल तैयार थी, बारिश हुई तो थोड़ा डैमेज हो गई है, लेकिन उतना डैमेज नहीं है कि बहुत ज्यादा अपने इंडियन इकोनॉमिक पे बहुत ज्यादा असर पड़े, उतना कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा, वो इतना मार्केट में चलता है, राइट। अच्छा, यहाँ पर होलसेल मार्केट में ये 25 रुपए तक गया है, तो रिटेल में कहाँ तक? देखिए अभी मैं गाजीपुर की बात कर रहा हूँ, मैं गाजीपुर मंडी से बात कर रहा हूँ, दुकान नंबर 14 पांडे ट्रेडिंग कंपनी, और अभी अपने मार्केट में स्टार्टिंग 10 रुपए से लेकर मैक्सिमम 30 और 31 रुपए किलो तक पर केजी के हिसाब से प्याज है। लेकिन क्या है कि अब जाके रिटेलर्स अपना प्रॉफिट रखते हैं, वो 40 रुपये, 50 रुपये और 60 रुपये मैक्सिमम वो लोग बेचते हैं, तो ये थोड़ा वेरिएशन ना बहुत ज़्यादा हो जाता है कि 30 और कहाँ 60 रुपये, राइट। तो थोड़ा पब्लिक को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा प्याज हाइक हो गई है और बहुत ज़्यादा उसके प्राइसेस बढ़ गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो नॉमिनल एक प्रॉफिट रखें तो मैक्सिमम 40 रुपये उन्हें जाके पड़ेगी, और आप लोग जितनी दिल्ली की जनता है वो 40 रुपये इजिली खा सकती है अभी, और आने वाले 2-4 दिन में आराम से 20 और 30 रुपए किलो दिल्ली की जनता आराम से खाएगी। तो ये हम कह सकते हैं कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, 2-3 दिन में फिर से ये प्याज के जो दाम हैं ये फिर से डाउन होने वाले हैं। फिलहाल त्योहार की वजह से थोड़ा अप हुआ है राइस में, थोड़ा वेरिएशन आया है, लेकिन कुछ दिनों की ही बात है कि वापस ये अपने नॉर्मल प्राइस में बिकने लगेगी। तो ज्यादा दिल्ली की जनता को घबराने की जरूरत नहीं है, प्याज के जो दाम है वो फिर से वापस अपने नॉर्मल लेवल पर आ जाएंगे। कैमरामैन कपिल बेदी के साथ पूजा राठौर, शर्मा, टोटल न्यूज, गाजीपुर मंडी।